एक बात कही जाती है कि कैथल हल्के में बेशक आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा हो, लेकिन विरोधी जिस चीज़ को लेकर हमेशा चुटकी लेते रहे हैं कि आपकी प्रशासन नहीं सुनता, एसपी डीएसपी नहीं सुनते। नहीं, हमारी तो मुख्यमंत्री सुनता है, प्रधानमंत्री सुनता है। तो गलत प्रचार वो करते थे कि खुल गया कैथल में मेडिकल कॉलेज खुल गया, परंतु उनके मंत्री होते हुए भी उन्हीं की मंत्री गीता भुक्कल कैथल की सारे इंस्ट्रूमेंट सारी मशीनें उठा करके जज्जर ले गई थी। दो बहुप्रतीक्षित योजनाएं थी कैथल को लेकर के कि एक तो एलिवेटेड ट्रैक यहां पे बने, सिटी स्क्वायर प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो, लेकिन दोनों ही 5 साल के कार्यकाल के दरमियान नहीं हुए। शहर में जगह जगह होर्डिंग लगे हैं कि बंदे में है दम, चलो साथ चले हम। इस तरीके के जब ये कैंपेनिंग चलते हैं तो आपका जो 5 साल का टर्नओवर रहा, कार्यकाल रहा है, और इससे पहले जो रणदीप सिंह सुरजेवाला का कार्यकाल रहा है, क्या फर्क देखते हैं दोनों में? हमने राजनीति में कहते हैं कि भाई बोलने वाले के तो बेर पिक जाते हैं और गुंगा के शायद सेब भी दरे रहे। एक दो सड़क बनी है मेरे ध्यान में है, उनके दोनों गांव में शिलान्यास करेगा, उद्घाटन करेगा, एक बार गुणा पहुंच जाएगा, दूसरी बार छोत पहुंच जाएगा और उसको कहेगा इतने लाख रुपए, मतलब अगर 2 करोड़ होंगे तो 200 लाख बोलेगा। ये कलाकारी तो वही जाने और भगवान उसी के पास ये रखे। क्यों लग रहा है कि लीलाराम गुज्जर वन मैन आर्मी का काम कर रहे हैं? बेशक आपको टिकट मिल गई हो, लेकिन कोई बड़ा नेता कैथल हल्के से ही आपका साथ नहीं दे रहा या साथ में नहीं है, ऐसा लग रहा है। विधानसभा में जब बोलने की बात आती है, लीलाराम जी कहते हैं कि बड़ा शालीन स्वभाव आपका रहा पूरे के पूरे 5 साल, लेकिन एक चीज़ जो नोट की गई कि विधानसभा में कैथल के जो मुद्दे उठने चाहिए थे उनकी ठीक से पैरवी नहीं हुई। कभी आप उझाड़ा में एक ठेके का जिक्र करते हैं विधानसभा में, ठाके लगते हैं आपकी उस मांग को लेकर के, तो लोगों का मानना है कि विधानसभा में थोड़ी और अच्छी यहाँ के मुद्दों को लेकर पैरवी की जा सकती थी। यूनिवर्सिटी की एक मुद्दा बड़ा है कैथल में, इसकी मांग बहुत पुरानी थी लेकिन अब तक बनकर वो तैयार नहीं हुई, लगभग दो दो जगह उसकी क्लासें लग रही हैं। कैथल के रण को भेदने के लिए कौन सा बड़ा चेहरा आपका साथ यहाँ पे देने वाला है भाजपा में, और किस तरीके से इस रण को भेदने वाले हैं आप? नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूँ अजय। मेरे साथ मौजूद हैं कैथल हल्के से भाजपा प्रत्याशी लीलाराम गुज्जर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। एक बात कही जाती है कि कैथल हल्के में बेशक आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा हो, लेकिन विरोधी जिस चीज़ को लेकर हमेशा चुटकी लेते रहे हैं कि आपकी प्रशासन नहीं सुनता, एसपी डीएसपी नहीं सुनते। नहीं, हमारी तो मुख्यमंत्री सुनता है, प्रधानमंत्री सुनता है, ऑफिसर की तो क्या हिम्मत है ना सुनेंगे। और आपके सामने यहाँ जो लोग कहते थे भी लीलाराम और ये कहते हैं, उन पर 10 साल में कैबिनेट के मंत्री रहे, उनके पिताजी भी मंत्री रहे, खुद भी मंत्री रहे, उन पे कैथल में जो गलत प्रचार वो करते थे कि खुल गया कैथल में मेडिकल कॉलेज खुल गया, परंतु उस समय जो कैथल में कुछ मशीनें आई थी, जो जैसे सीटी स्कैन की मशीनें थी, अल्ट्रासाउंड की मशीनें थी, कांग्रेस का राज था, हमारे नेताजी जो ये बोलते हैं वो मंत्री थे, परंतु उनके मंत्री होते हुए भी उन्हीं की मंत्री गीता भुक्कल कैथल की सारे इंस्ट्रूमेंट सारी मशीनें उठा करके जज्जर ले गई थी। और जिसको वो कहते हैं कि इनकी कोई मानता नहीं सुनता नहीं, उन्होंने भगवान परशुराम जी के नाम पर 1000 करोड़ का मेडिकल कॉलेज लगभग जो बन करके तैयार है 6 महीने में, वो कैथल की जनता को इससे बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से हो नहीं सकता। दो बहुप्रतीक्षित योजनाएं थी कैथल को लेकर के कि एक तो एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पे बने, सिटी स्क्वायर प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो, लेकिन दोनों ही 5 साल के कार्यकाल के दरमियान नहीं हुए। सिटी स्क्वायर वाला तो उसमें पचड़ा है, जैसे मेरी अपनी सोच है उसमें मैं कोई आरोप नहीं कहता, परंतु जैसे हरियाणा प्रदेश में आज जब कोई भर्ती आती है बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लगते हैं, तो उनके अंदर अड़ंगा डालने के लिए, रुकावट डालने के लिए एक गैंग बना हुआ है। ठीक इस सिटी स्क्वायर में भी जिन लोगों ने इसका शिलान्यास किया, उद्घाटन किया था, उन्हीं के आदमी इसको कोई कोर्ट में चला जाता है, कोई इसको रुकवाने का काम करते हैं, ये मेरी अपनी सोच है। तो जहाँ तक रेलवे ट्रैक का बात है, उसका तो बजट भी पास हो गया था, केंद्र गवर्नमेंट की भी मंजूरी मिल गई थी, परंतु कहीं न कहीं PWD विभाग के द्वारा कोई टेक्निकल कमी आई, अड़चन आई, और इसलिए उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी कि यहाँ जी फ्लाई ओवर बनाया जाए, परंतु उनके बीच में मैं भी और कैथल की जनता ने ये कहा कि नहीं जी, हम हमारी मांग तो एलिवेटेड ट्रैक की है। और जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल जी थे, उनको कहा कि CM साहब आप यहाँ पर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक ही बनाओ, हमने फ्लाई ओवर की ज़रूरत नहीं है, अगर बनाते हो तो एलिवेटेड ट्रैक बना दो, वरना
इसको ठंडे बस्ते में डाल दें, फ्लाई ओवर से पूरी पूरी मार्केट ख़त्म हो जाती है। इसलिए फिर दोबारा से एलिवेटेड टैग की केंद्र से मंजूरी है हरियाणा से, वो एक साल में बनेगा, दो साल में बनेगा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कैथल के अंदर। शहर में जगह जगह होर्डिंग लगे हैं कि बंदे में है दम, चलो साथ चले हम। इस तरीके के जब ये कैंपेनिंग चलते हैं तो आपका जो 5 साल का टर्नओवर रहा, कार्यकाल रहा है, और इससे पहले जो रणदीप सिंह सुरजेवाला का कार्यकाल रहा है, क्या फ़र्क देखते हैं दोनों में? वो तो किसी दिन आमने सामने जब डिबेट होंगी, रणदीप सुरजेवाला जी भी आएंगे, मैं भी आऊँगा, फिर उनको बताऊँगा भी तू कि तेरे में कितना दम है, तूने क्या किया है। वो तो एक मतलब हमने राजनीति में कहते हैं कि भाई बोलने वाले के तो बेर बिक जाते हैं और गुंगा के शायद सेब भी दरे रहे हैं। तो उसको एक बड़ा अच्छा वो इस बात का कलाकार है। मान लो एक गांव से दूसरे गांव की कोई 2 किलोमीटर की सड़क है, पहले तो उसने 10 साल में एक सड़क भी बनाई नहीं, अगर 1-2 सड़क बनी है मेरे ध्यान में है, उनके दोनों गाँव में शिलान्यास करेगा, उद्घाटन करेगा, एक बार गुणा पहुंच जाएगा, दूसरी बार छोत पहुंच जाएगा, और उसको कहेगा इतने लाख रुपए, मतलब अगर 2 करोड़ होंगे तो 200 लाख बोलेगा। ये कलाकारी तो वही जाने और भगवान उसी के पास ये रखे। परंतु मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने विकास कार्य, मैं पहले भी कैथल की जनता के आशीर्वाद से विधायक था कैथल से, उस समय मैं सड़कों की मांग करता था, और जब उस समय में 16-17 सड़क एक गांव से दूसरे गांव की सड़क बनी थी, परंतु हमारी 17-18-19 सड़कें रह गई थी। मैं वो विधानसभा का रिकॉर्ड है ये, वहाँ पर मेरी मांग उठाता था मैं, परंतु उस समय वो जे ये 10-12 थी, ये सड़कें छूट गई थी। 10 साल में उनमें से एक भी सड़क नहीं बनी, ये ऑन रिकॉर्ड है। वो जितनी 17 सड़क हैं अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बनी है। मैं उनके नाम भी आपके सामने बताना चाहूँगा। जिस प्रकार डोर गांव से लेकर के जसवंती की सड़क थी, ठीक मेरे गांव उजाणा से कुलतारण की सड़क थी, कुतेपुर गांव से लेकर के रेड़िया गांव की सड़क थी, सजुम्मा गांव से लेकर के लांबा खेड़ी की सड़क थी, गुणा गाँव से लेकर के सांगण की सड़क थी, दुंधरेड़ी गांव से लेकर के दीवाल की सड़क थी, पड़ला बड़ा गांव है, पड़ला से लेकर के बाबलदाना बड़ा गांव है उसकी सड़क थी, क्योड़क से लेकर के क्योड़क ड्रेन की पटरी वाया उजाणा वाया कैथल जगदीशपुरा की 3 करोड़ में बनी है, और इसी प्रकार मानस बड़ा गांव है जाट बरादरी का, उसकी 5 सड़क की मैं मांग करता था। उसमें 500 सड़क अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। मानस गांव से अटैला की सड़क 5.5 करोड़ में, मानस गांव से फरस माजरा की सड़क 2.25 करोड़ में, मानस से गढ़ी की सड़क 2.25 करोड़ में, मानस से बाबलदाना की रोड है कि जो गढ़ी जाती है उसको प्रचड़ी है 78 लाख में, और मानस से सिरटा सड़क जाती है जो मई जून में भी 1-1 फुट पानी कीचड़ दलदल रहती थी, आज अगर वहाँ को बरात को बिठा करके खाना खड़ा है ना, कोई ये नहीं कहेगा कहाँ बिठा रखे, इतनी अच्छी सड़क जिस पर 1 करोड़ की लागत आई है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 500 सड़क भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि लीलाराम गुजर वन मैन आर्मी का काम कर रहे हैं, बेशक आपको टिकट मिल गई हो, लेकिन कोई बड़ा नेता कैथल हल्के से ही आपका साथ नहीं दे रहा या साथ में नहीं है, ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, सारे पार्टी के बड़े नेता तो हमारे में कोई है ही नहीं, सारे कार्यकर्ता हम, परंतु सारे जो भी हम टिकट मांगते थे सारे इकट्ठे हैं। कल हमारे 2 प्रोग्राम थे, वाल्मीकि समाज ने किया था, उसमें सुरेश गर्ग जी नौच हमारे साथ थे, हमारे अमरजीत जी बिट्टू छाबड़ा जी हमारे साथ थे, राव सुरेंद्र को कोई तकलीफ थी, बीमार था, वो हॉस्पिटल गए थे, कैलाश भगत जी की मिसिज बीमार थी, वो कल वहाँ चंडीगढ़ गए थे, उनके मेरे पास फ़ोन भी आ गए थे भाई भाई साहब आपके साथ हैं। सारी भारतीय जनता पार्टी की टीम इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ रही है। विधानसभा में जब बोलने की बात आती है, लीलाराम जी कहते हैं कि बड़ा शालीन स्वभाव आपका रहा पूरे के पूरे 5 साल, लेकिन एक चीज़ जो नोट की गई कि विधानसभा में कैथल के जो मुद्दे उठने चाहिए थे उनकी ठीक से पैरवी नहीं हुई। कभी आप उजाणा में एक ठेके का जिक्र करते हैं विधानसभा में, ठाके लगते हैं आपकी उस मांग को लेकर के, तो लोगों का मानना है कि विधानसभा में थोड़ी और अच्छी यहाँ के मुद्दों को लेकर पैरवी की जा सकती थी।
ये जो मैंने आप विकास कार्य आपको गिनवाई हैं, ये सारे विधानसभा में उठे हैं। मेडिकल कॉलेज की मांग विधानसभा में, मेरी ये सारी सड़कें मैंने ऑन रिकॉर्ड अध्यक्ष स्पीकर के सामने रखी, तभी मंजूर हुई है। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था, ये विधानसभा की बात कहता हूँ मैं, सारे सदन ने इवन के कांग्रेस वालों ने भी मेजें थपथपाई थी, और मैंने ये बात रखी थी कि उस समय हुड्डा जी भी विधानसभा में मौजूद थे। माँ हुड्डा साहब, आपकी सरकार थी, हमारी मांग थी कैथल से अम्बाड़ा की सड़क, आपके मंत्री पे, आपकी सरकार पे वो सड़क नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा वाया हिसार कैथल सालासर तक की सड़क ये विधानसभा में उठी थी। मैंने विधानसभा में अध्यक्ष के सामने रखा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अम्बाड़ा से चूरू सालासर तक तो सड़क बना दी, परंतु कैथल से क्योड़क 10 किलोमीटर की सड़क जब तक नहीं बनती, हमारे पूरे कैथल जिले को इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि कैथल के तीनों हल्कों को लोग चंडीगढ़ जाते हैं तो उसी सड़क से जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 करोड़ रुपए लगा करके 4 लेन सड़क बनाने का काम किया। ये बात मैंने विधानसभा के अंदर उठाई थी कि मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि रणदीप सुरजेवाला के टाइम में ड्रेन की पटरी बनी थी जी, आधा अधूरा काम किया गया था, खुराना से अम्बाड़ा रोड कुरुक्षेत्र रोड तक, जब तक ये सड़क पड़ला खनौनी रोड से मानस रोड, मानस रोड से सिरटा रोड, सिरटा रोड से चीका रोड, चीका रोड से खुराना रोड तक नहीं बनती, इसका कोई फायदा नहीं, इसके कोई मायने नहीं। सरकार ने उसको मंजूर किया, 22.5 करोड़ से डबल लेन की सड़क बन करके आपके सामने तैयार है। ये बात मैंने विधानसभा में रखी थी कि कांग्रेस के 15 साल विधायक मंत्री रहे, कैथल शहर के लिए पीने के पानी की, या तो पहले चौधरी बंसीलाल के टाइम में काम हुआ था, या फिर ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में काम हुआ, बीच में कांग्रेस की 10 साल की सरकार में 1 लीटर पानी का नहीं बढ़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरी बात को मानते हुए 9 करोड़ की लागत से 11 एकड़ में हमारा पानी का टैंक या डक बन करके तैयार हो गया। मैंने सरकार से ये मांग की थी कि हमारे 15 एकड़ के लगभग ज़मीन है, जो पुराना हॉस्पिटल कंडम हो चुका है, कैथल शहर की प्राइम लोकेशन की ज़मीन है, वहाँ पर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने, हरियाणा सरकार ने उसको मंजूर किया, 100 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का हॉस्पिटल, जच्चा बच्चा माँ और बच्चे की केयर के लिए बनकर के हॉस्पिटल तैयार होगा, 6 करोड़ की राशि जारी की। मैं विधानसभा के अंदर हर सत्र में मांग उठाता था कि कैथल शहर में 1,10,000 वोट हैं जी, आज तक भी सब्जी मंडी नहीं है। सरकार ने उस मांग को, कैथल की जनता की मांग को मान्या, और आज 14 एकड़ में भव्य सब्जी मंडी बनेगी, और 8.5 करोड़ रुपये उसके सरकार ने जारी भी कर दिए, और उस जो जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बनेगा उसकी भी पहली 6 करोड़ की किस्त जारी हो चुकी है। ये सारे मुद्दे मैं विधानसभा के अंदर उठाता था। मैं हर बार विधानसभा में लड़कियों की कॉलेज की मांग भी मैंने उठाई है, और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में वो मांग भी पूरी होगी। संस्कृत यूनिवर्सिटी की एक मुद्दा बड़ा है कैथल में, इसकी मांग बहुत पुरानी थी लेकिन अब तक बनकर वो तैयार नहीं हुई, लगभग 2-2 जगह उसकी क्लासें लग रही हैं। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसमें लगभग काम भी बहुत अच्छा चला हुआ है, बच्चों के एडमिशन भी हो रहे हैं, परंतु ये बात ज़रूर है, जो बात होगी मैं उसको एक्सेप्ट भी करूँगा कि उस पर काम धीमी गति से चला, परंतु आने वाले समय में जल्दी बन करके तैयार हो जाएगी। आखिरी सवाल, कैथल के रण को भेदने के लिए कौन सा बड़ा चेहरा आपका साथ यहाँ पे देने वाला है भाजपा में, और किस तरीके से इस रण को भेदने वाले हैं आप? कैथल के लोकल सभी नेता, चाहे कैलाश भगत जी हैं समाज सेवी आदमी हैं, चाहे अमरजीत जी बिट्टू छाबड़ा जी हैं समाज सेवी आदमी हैं, उद्योगपति हैं, चाहे भाई सुरेश गर्ग नोत जी, उनकी पुत्र वधु बेटी सुरभि जी चेयरपर्सन है, और चाहे राव सुरेंद्र जी हैं, चाहे मनीष कठुआड़ जी हैं, चाहे राजपाल तंवर जी हैं, सभी सारी टीम हमारे साथ है, सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और मैं तो पहले भी कहता था, भाई आप सारे टिकट मांगते हैं, चलो इकट्ठे चलेंगे, और
पार्टी शीर्ष नेतृत्व के सामने बात रख देंगे, जिसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी हम इकट्ठे मिलकर के लड़ेंगे। मैंने अपनी लाइफ में, मेरी 63 की एज हो गई, एक बार नहीं मेरी 4 बार टिकट कटी है। मेरी टिकट कटी लाला चरण दास जी को मिली। हमारे गांव 14 गांव गुज्जर बरादरी के हैं, 14 के 14 गांव में एक तरफी जीत हुई और लाला चरण दास जी MLA बने, मंत्री बने। मेरी टिकट कटी कैलाश भगत जी को मिली, 14 के 14 गांव में एक तरफी जीत हुई। 14 गांव में मेरी टिकट कटी राव सुरेंद्र जो को मिली, 14 गांव में ही जीत हुई। और मैंने उनके साथ MLA वाली नहीं, एक छोटे से कार्यकर्ता की तरह उनके आगे लग करके काम किया। तो इस बार भी ऐसा ही रहेगा? ऐसा होगा, मेरे वो साथी हैं और सारे मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, नायब सैनी जी के साथ हैं, मनोहर लाल जी के साथ हैं, और आज नरेंद्र भाई मोदी के तो हिंदुस्तानी पूरा विश्व के लोग प्यार करते हैं, और दूसरे देशों के जनता भी आप देखते होंगे, मीडिया के लोग हैं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे नेपाल है, वो लोग भी ये कहते हैं काश हमारा प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी होता या नरेंद्र मोदी जैसा होता। हमें खुशी है इस बात की कि हमारे नेता की, जिसके नीचे हम राजनीति कर रहे हैं, जिसके हम कार्यकर्ता हैं, उसकी छवि पूरे विश्व में, उनकी ख्याति पूरे विश्व को मार्गदर्शक के रूप में उनको रास्ता दिखाने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके राजनीतिक संघर्ष को लेकर बहुत बहुत बधाई आपको। तो फिलहाल लीलाराम गुज्जर मेरे साथ थे और बताया कि किस तरीके से वो कैथल कारण भेजने वाले हैं। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।